हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, एक सीरीज़ हमने चैनल पर शुरू की थी जिसका नाम था उत्तराखंड जिला सीरीज, जिसके अंतर्गत हम एक एक करके उत्तराखंड के संपूर्ण ज़िलों का यहाँ पर इतिहास, भूगोल, पर्यटक स्थल और उनसे जुड़े हुए अन्य सभी तथ्यों को देख रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं अपने तीसरे ज़िले को जिसका नाम है बागेश्वर जनपद, और इसके पहले भाग में हम देखेंगे आज बागेश्वर जनपद का इतिहास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का बागेश्वर जनपद का इतिहास। तो चलिए देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि प्राचीन इतिहास में शहरों के अनेक नाम हुआ करते थे, मतलब जो आज नहीं है पहले हुआ करते थे। पहले अन्य नामों से शहरों को पुकारा जाता था, नगरों को पुकारा जाता था, लेकिन आज उनके नामों में परिवर्तन हो चुका है। कुछ नाम पूर्ण तो बदल चुके हैं, कुछ अंश तो वही पुराने नामों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही बागेश्वर के बारे में भी हमें एक नाम देखने को मिलता है, वो नाम है व्याघ्रेश्वर। देखिए, व्याघ्रेश्वर जो नाम है वो बागेश्वर का ही नाम है। इसे पहले या प्राचीन इतिहास में व्याघ्रेश्वर कहा गया है। और व्याघ्रेश्वर इसे क्यों कहा गया है, तो कहा जाता है कि एक बार बागेश्वर में ऋषि मार्कंडेय को भगवान शिव ने दर्शन दिए थे, मतलब जो ऋषि मार्कंडेय थे इन्होंने यहाँ पर तपस्या की, तो भगवान शिव ने इन्हें यहाँ पर दर्शन दिए और पर बाघ के रूप में दर्शन दिए। तो व्याघ्र मतलब बाघ, तो जब बाघ के रूप में दर्शन दिए तो यहाँ पर शिव की व्याघ्रेश्वर रूप में पूजा होने लगी, और यही व्याघ्रेश्वर आज बागेश्वर बन चुका है। और जो यहाँ पर मुख्य मंदिर था उसे भी बागनाथ मंदिर कहा जाता है या था, तो ये भी इसी चीज़ का प्रमाण है ना। तो अगर हम बात करें इस व्याघ्रेश्वर क्षेत्र की, तो इसे मानस खंड में अग्नितीर्थ भी कहा गया है ना। मानस खंड जो स्कंद खंड का दो भागों में से एक है, मानस खंड, तो उसके अंतर्गत इसे क्या कहा गया है, अग्नितीर्थ कहा गया है। ठीक है, अगर हम इस व्याघ्रेश्वर क्षेत्र की बात करें तो इसका इतिहास बहुत प्राचीन है, लेकिन जो इसका स्पष्ट इतिहास शुरू होता है वो होता है कत्यूरी वंश के समय से, है ना। उत्तराखंड के इतिहास में कत्यूरी वंश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जब कत्यूरियों ने शासन शुरू किया इस क्षेत्र पर जहाँ पर आज बागनाथ मंदिर है, इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र पर जब कत्यूरियों ने अपना शासन शुरू किया, तो उसी समय से ये क्षेत्र प्रकाश में आना शुरू हुआ या इतिहास में दर्ज होना, इसका इतिहास दर्ज होना शुरू हुआ। ठीक है, सबसे पहले 7वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, तो 7वीं शताब्दी के समय यहाँ पर कत्यूरियों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी, और वो राजधानी आप जानते हैं थी कार्तिकेयपुर, और कार्तिकेयपुर जो क्षेत्र था कत्यूर घाटी में उसी के अंतर्गत ये व्याघ्रेश्वर नामक स्थान आता था। अब हुआ क्या, यहाँ पर प्राचीन बागनाथ मंदिर तो पहले से स्थापित था, कहते हैं कत्यूरियों ने इसकी स्थापना की, तो कत्यूरियों के समय क्या हुआ कि यहाँ से एक अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है कत्यूरियों के समय का, और वो अभिलेख जो है वो है कत्यूरी नरेश भूदेव का। और कत्यूरी नरेश भूदेव का जो अभिलेख हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है वो 9वीं सदी लगभग का है, और इस अभिलेख में ही बागनाथ क्षेत्र को, जो हमें बागेश्वर आज हम जिसे कहते हैं, इस अभिलेख में ही उसे व्याघ्रेश्वर शब्द से मतलब उसके लिए प्रयोग किया गया है, तो इसी अभिलेख में उसे बागेश्वर या व्याघ्रेश्वर कहा गया है, तो यहीं से हमें ये प्राचीन नाम मिला है व्याघ्रेश्वर। ठीक है, इस शिलालेख में एक अन्य महत्वपूर्ण बात है, इसमें 8 राजाओं के नाम अंकित हैं जो कत्यूरी शासक हैं। तो ये शिलालेख महत्वपूर्ण है, बागेश्वर के नामकरण के बारे में जानकारी देता है और इस क्षेत्र की मतलब प्राचीनता को दर्शाते हुए इसकी प्रमुखता को भी दर्शाता है। ठीक है, अब वक्त आता है 11वीं सदी का, तो 11वीं सदी के जो हमें लेख मिले हैं या जो प्रमाण मिले हैं वहाँ से पता चलता है कि उस समय जो ये क्षेत्र था बागनाथ क्षेत्र या व्याघ्रेश्वर क्षेत्र, ये बहुत छोटी सी एक बस्ती हुआ करती थी। यहाँ पर 8-10 छोटे छोटे घर थे, मतलब एक छोटी सी ये बस्ती थी, ज़्यादा कुछ था नहीं, इसका विकास था नहीं, ना ही ये नगर था, ना ही ये राजधानी का महत्वपूर्ण क्षेत्र था, बस ये राजधानी के पास था। ठीक है, इसके बाद 13वीं सदी का जब समय आया तो कत्यूरी साम्राज्य का विघटन हो गया, और कत्यूरी साम्राज्य का जब विघटन हुआ तो वो कई भागों में बढ़ गया, और वो उन भागों की संख्या थी 8, तो 8 भागों में बढ़ गया, तो इसका मतलब है 8 शाखाएँ बन गई कत्यूरी साम्राज्य की। थे वो कत्यूरी लेकिन एक दूसरे से पृथक वो हो गए थे। ठीक है, और बागनाथ क्षेत्र जिस कत्यूरी क्षेत्र में आता था वो थे बैजनाथ के कत्यूर। ठीक है, बैजनाथ क्षेत्र के कत्यूरी थे वो, और उनके अंतर्गत आता था व्याघ्रेश्वर क्षेत्र। अब इसका मतलब ये है कि जो राजधानी है वो बैजनाथ की तरफ थी और मुख्य क्षेत्र बैजनाथ कत्यूर था, लेकिन उसके अंतर्गत आता था बागनाथ
व्याघ्रेश्वर वाला क्षेत्र भी, ठीक है। इसके बाद 1565 तक बैजनाथ कत्यूरी वंश के अधीन रहा, जो बैजनाथ के कत्यूरी थे उसी के अधीन रहा बागनाथ क्षेत्र, ठीक है। लेकिन 1565 में बालू कल्याण चंद ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया और इस क्षेत्र को विजित कर अल्मोड़ा में शामिल किया। तो 1565 के बाद यह क्षेत्र चंद साम्राज्य का एक अंग बन गया और एक विशेष अंग ये चंद साम्राज्य का बन गया, है ना। इसके बाद हुआ क्या, शताब्दियाँ में परिवर्तन होते रहे, शताब्दी पर शताब्दी चेंज होती रही, लेकिन जो व्याघ्रेश्वर मंदिर था जो कत्यूरियों के समय बना था वो अभी भी अपना अस्तित्व बनाए हुए था, मतलब वो लगातार अस्तित्व में रहा। जबकि इस देवालय की बात करें, ये सरयू और गोमती के तट पर स्थित है और प्रारंभिक रूप से ये काष्ठ शिल्प का हुआ करता था, मतलब ये लकड़ी का एक मंदिर, लकड़ी से बने हुए मंदिर बने हुए थे यहाँ पर, लेकिन लगातार बाढ़ आने से या आपदाएँ आने से ये लकड़ियाँ टूट जाती थी, तो अंत में इसे प्रस्तर का बनाया गया, पत्थर का मंदिर यहाँ पर निर्मित किया गया जिससे कि ये टूटे ना। और अगर चंद शासकों की बात करें तो उन्होंने इस मंदिर के लिए काफ़ी कार्य किया, उस टाइम ये बड़ा तीर्थ हुआ करता था। तो चंद शासकों में एक शासक हुए बाज बहादुर चंद। उनके समय क्या होता था कि 1597 ईस्वी में एक लेख यहाँ से हमें मिला है कि इन्होंने बागनाथ मंदिर को एक गूंठ भूमि दान दी थी। अब गूंठ भूमि किसे कहते हैं, जिस भूमि से मंदिर का कामकाज चलता है, या वो गांव जिन गांव के टैक्स से मंदिर का गांव कामकाज चलता है उस भूमि को गूंठ भूमि कहते हैं, ठीक है। तो ये दान किया था बाज बहादुर चंद ने। अब आज हम मंदिर का, आज अगर आप इस मंदिर को देखेंगे तो जो इसका वर्तमान स्वरूप है वो दिया है लक्ष्मी चंद ने। राजा लक्ष्मी चंद ने 1602 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, पुनरुद्धार कराया और इसको जो वर्तमान स्वरूप है वो प्रदान किया, ठीक है। और इस नगर का जो विकास हुआ वो यहीं से शुरू हुआ जब बागेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जब बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का निर्माण लक्ष्मी चंद ने 1602 में निर्माण कराया, या कहें कि पुनर्निर्माण कराया, तो इस शहर का विकास भी यहीं से शुरू हुआ। लक्ष्मी चंद ने क्या किया कि जो बागेश्वर क्षेत्र है वहाँ से पिंडारी तक 45 मील का एक अश्व मार्ग बनाया घोड़ों के लिए, और यहाँ से क्या हुआ कि जो दानपुर क्षेत्र था वहाँ तक भी पहुँच बड़ी कत्यूरी जो ये चंद सेना थी इसकी, और इसका इस क्षेत्र का विकास होने लगा, है ना। कहते हैं जो ये मंदिर था इसको कई जगहों से मतलब चढ़ावा मिलता था, जो इस मंदिर के मतलब भव्यता और प्रसिद्ध होने का कारण भी था। तो 1700 ईस्वी के आसपास हमें एक ऐसे लेख मिलते हैं जो कि जौहार मुंशियार से भी इसके लिए लगातार चढ़ावे आते थे, ठीक है। अब जब इसका विकास शुरू हुआ तो 1860 ईस्वी में देखा गया कि यहाँ पर 200 से 300 दुकानों व घर बन गए, और 200 से 300 दुकानें और घर जब बने तो एक बड़ा कस्बा बनने लगा, ठीक है। अगर हम बात करें एटकिंसन के हिमालयन गजेटियर की, तो जो एटकिंसन साहब हैं उनके हिमालय जो गजेटियर है उसके अनुसार 1883 में मतलब 1883 में यहाँ की आबादी 500 थी, मतलब 1883 में 500 आबादी होना एक बड़ी बात है। ये एक बड़ा शहर के रूप में यहाँ पर बदलता जा रहा था, बड़ा मतलब आबादी वाला क्षेत्र बनता जा रहा था। अब जब आबादी बढ़ती गई, अंग्रेज़ों का शासन उत्तराखंड पर हुआ तो धीरे धीरे विकास शुरू हुआ। 1848 में गोमती पर पुल बनाया गया, ठीक है, बागेश्वर में गोमती पर पुल बनाया गया लुसिंगटन के टाइम पे, क्योंकि इसका मतलब है यहाँ पर आवाजाही काफ़ी होने लगी होगी और पुल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होने लगी थी, इसलिए गोमती पर पुल बनाया गया। 1871 में क्या हुआ कि सरयू में बाढ़ आई और जो पुराने छोटे पुल यहाँ के थे वो सारे के सारे बह गए, मंदिर कुछ मतलब जो आसपास की चीज़ें थी मंदिर क्षेत्र में वो क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन इसका विकास जारी रहा। और 1905 में अंग्रेज़ों ने टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण भी कर लिया था। तो 1905 में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि टनकपुर से बागेश्वर की जो रेलवे लाइन बननी है उसका सर्वेक्षण कर दिया था, लेकिन प्रथम विश्वयुद्ध होने के कारण ये कार्य बंद हो गया, ये शुरू नहीं हो पाया और आज तक भी बागेश्वर में रेल नहीं आई है। इसके बाद 1913 में जो झूला पुल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बागेश्वर में, वो 1913 में निर्मित किया गया था, ठीक है। और 1921 की बात तो सभी को पता है, उत्तरायणी मेले में जब यहाँ पर कुली बेगार आंदोलन हुआ, एक रक्तहीन क्रांति बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में यहाँ पर हुई थी, तो इसके लिए प्रसिद्ध रहा बागेश्वर। इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में बागेश्वर का नाम इसी घटना से लिखा गया, जो उत्तरायणी मेला 1921 में 13-14 जनवरी को यहाँ पर हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी भी बागेश्वर आए थे 1929 में, यहाँ पर उन्होंने स्वराज मंदिर का उद्घाटन भी किया था, जिसको बनाने में योगदान दिया था विक्टर मोहन जोशी ने, उन्होंने इसे बनवाया था और इसका उद्घाटन किया था महात्मा गांधी ने। और इसके बाद
1968 का टाइम है, 1968 का है, बागेश्वर को नगर पालिका बनाया गया था और अंतिम रूप से 15 सितंबर 1997 को बागेश्वर एक ज़िला बना, जिसको आज हम एक ज़िले के रूप में देखते हैं। इसमें 3 तहसीलें हमें देखने को मिलती हैं और एक विधानसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो ये है दोस्तों बागेश्वर का इतिहास। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम अगले वीडियो में लाएंगे बागेश्वर का भूगोल, पर्यटक स्थल, इनसे संबंधित तथ्य। वहाँ पर हम तथ्यात्मक रूप में इसे देखेंगे और फैक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। और उसके अगले पार्ट में वो सभी फैक्ट आएंगे जो कि वेरियस अलग अलग टॉपिकों से छुटपुट छुटपुट जो फैक्ट होते हैं बागेश्वर से संबंधित, वो सब अंतिम तीसरे टॉपिक में आएंगे, जबकि दूसरे टॉपिक में भूगोल, पर्यटक स्थल और महत्वपूर्ण टॉपिक्स आएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड की पाठशाला आपका धन्यवाद करती है। धन्यवाद।